हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज मैं हूं आपका दोस्त स्वामी आपके साथ। आज आपको हम इससे दो उपाय बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप एक भी आपके शरीर में रोग है ना, कोई भी छोटे से लेकर बड़ा रोग, वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और आज चलो, अगर आप एक चीज़ और चाहते हैं, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बता दें दो ऐसे उपाय ज़िंदगी बदल देने वाले उपाय। देखिए दोस्तों, आपने किसी से भी नहीं सुना होगा, जय जय महादेव लिखे कमेंट बॉक्स में। और हम आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो योग के जो गुरु है ना, वो भगवान शिव को माना जाता है। योग विद्या भगवान शिव ने प्रदान की जाती है, ऐसा माना जाता है। शिव पुराण के अंदर ऐसा लिखा गया है कि जो योग थे ना, वो भगवान शिव ने सभी को प्रदान किया। जैसे आप लिखे भगवान शिव को योगी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? वो योग में महारत हासिल है उनको, अपने समस्त तत्वों के ऊपर, सातों चक्रों के ऊपर जिसको महारत हासिल होना, उसको योगी कहा जाता है। ऐसे समझ लेना, इस प्रकार से योगी कहा जाता है। चलिए पहला उपाय है। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, सुबह से जैसे उठे ना, उसी प्रकार से आप फ्रेश होने के बाद क्या करना है, आपको प्रातःकाल प्राणायाम, 5 मिनट का प्राणायाम किया, उसके बाद आपको करना क्या है कि जो हल्दी और नीम होते हैं ना, हल्दी और नीम को मिलाकर गुनगुने पानी के साथ आपको पीना है। सुबह पी लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके करीब 2 घंटे बाद देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, मतलब जो एक्सरसाइज करेंगे आप, दौड़ मारेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको घर पे जाके जो आपको एक पादप आता है, कुल्थी पादप आता है, एक कुल्थी नाम की, आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप आसानी से जाकर परचेज कर सकते हैं। 300 रुपये की पर केजी मिल जाएगा, 250 रुपये पर केजी आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, सुबह आपको शाम को बहके छोड़ना है उसको, करीब 10 घंटे तक बहके रखना है। उसके बाद क्या करो, जो चने बहते हैं ना, चने को भिगोने के बाद वो फूल जाते हैं, उसी प्रकार से वो फूल जाएगा, वो अच्छा होगा। चबा चबा के खाना, पूरी तरह चबा चबा के बॉडी के अंदर है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि पूरे दिन अगर खाना नहीं खाए ना तो भी आपके लिए ऊर्जावान, आपको ऊर्जा देगी। और इन दो चीज़ों को आप 1 महीने तक ट्राई कीजिए भाई साहब, मैं कहता हूँ 1 महीने तक, या अगर 3 या 4 दिन आप ट्राई करें लगातार बिना रुके इन दो चीज़ों को, मैं कहता हूँ कोई भी बीमारी, अगर एक भी बीमारी रही ना आप, तो मेरे पास आ जाना, मेरा नाम बदल जाना, एक भी बीमारी आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहेगी, मैं गारंटी लेता हूँ, जड़ से लेकर एडी से लेकर चोटी तक जितनी भी बीमारियाँ जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ इन उपायों को ट्राई कीजिए, प्राणायाम जरूर करना, दौड़ मारना, और लगातार सुबह स्वास्थ्य भोजन अच्छा करना, बस ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना इन चीज़ों का, और स्वस्थ जल का उपयोग करना, बस मैं कहता हूँ इन चीज़ों का उपयोग कीजिए भाई साहब, जिंदगी में आप कभी बीमार पड़ जाना मेरे पास आना, कमेंट बॉक्स में इस चीज़ में लिख देना वापस इस वीडियो में आके। जय हिंद, जय भारत।